अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग के। आज हम बना रहे हैं हांडी कबाब। तो चलें देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हांडी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया है। एक अदद प्याज को मैंने यहाँ पर पीस लिया है। एक चौथाई कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है। एक अदद अंडा लिया है। आधा गट्ठी पुदीने को मैंने यहाँ पर फाइनली चॉप कर लिया है। एक अदद हरी मिर्च को भी मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। एक खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। डेढ़ चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच गरम मसाला और यहाँ पर मैंने दो डबल रोटी के स्लाइसेस ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम डबल रोटी को दूध में सोक कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पानी में भी सोक कर सकते हैं। अच्छे से सोक करने के बाद हम इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और इसे कीमे में शामिल कर देंगे। दूध में सोक करने से ये होगा कि आपके कबाब जो हैं वो ज़्यादा मुलायम और जूसी बनेंगे। डबल रोटी ऐड करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्चें, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, फेंटा हुआ अंडा डाल देंगे, चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी डेली आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके बाद हम इसमें पिसा हुआ प्याज ऐड कर लेंगे और इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। आधे घंटे बाद हम इसे दोबारा से एक बार मिक्स करेंगे और हाथों की मदद से इसके ओवल शेप के कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कबाब तैयार कर लिया है। बाकी के तमाम भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। बाकी के तमाम भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पर इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बाद में इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन कबाब को शैलो फ्राई करेंगे। एक एक करके हम कबाब ऑयल में ऐड कर देंगे और इसे कवर कर तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं और कबाब हमारे एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट हो चुके हैं और कबाब हमारे रेडी हैं। बाकी के तमाम भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमें एक अदद बड़े साइज़ का पिसा हुआ प्याज चाहिए होगा। तीन अदद टमाटरों को मैंने यहाँ पर पीस लिया है। एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, एक अदद यहाँ पर मैंने कोयला ले लिया है और एक अदद लीमू का मैंने यहाँ पर रस निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम पैन में डाल देंगे आधा कप तेल। जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें पिसा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो प्याज यहाँ पर फ्राई हो चुका है। इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। हमें इसे इतना भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो टमाटर भुन चुके हैं, अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक शामिल कर देंगे और इन तमाम मसालों को तकरीबन एक मिनट के लिए हल्की आंच पर भूनेंगे। तो मसाला यहाँ भुन चुका है, इसमें कबाब ऐड कर देंगे। एक एक करके हम तमाम कबाब को इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम चम्मच से इसे हल्का हल्का मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब हम एक रोटी का टुकड़ा रखकर इसके ऊपर जलता हुआ कोयला रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर इसे फ़ौरन से ढक देंगे। तो हांडी कबाब हमारे तैयार हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।